switch it up like switch it up, speaker box, blast, 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 switch it up like. तो की हाल सत श्री अकाल, मैं हूँ बिमल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओ मेरे यार टेक्निकल प्यार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये इंट्रो? तो दोस्तों ये नियोन मैन का कॉपी है। एक्चुअली आज सुबह मैं नियोन मैन का वीडियो देख रहा था और मैंने ये इंट्रो देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो सोचा थोड़ा अपने चैनल पर भी ट्राई कर लूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ, मैं कहीं यहाँ पर देखिए आप मैं पार्क वगैरह में हूँ। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो भाई अभी इतनी देर से जो भी मैं बकबक कर रहा था या मैं जो घूम घूम कर वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से, तो इसे YouTube की भाषा में कहते हैं ब्लॉगिंग, या यू कहो तो ब्लॉग बनाना। तो यदि आप YouTube पर एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या सेटअप अपना बनाना पड़ेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हो, वो भी बिना किसी गिम्बल के। तो आपको ना ही कोई गिम्बल परचेस करना, आप बड़ी ही आसानी से अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यार सबसे पहले तो आपको अपना YouTube चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यार अब बात करते हैं ब्लॉगिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी है। तो यार ब्लॉगिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही बात अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी बात ध्यान में नहीं रखनी है। तो ब्लॉगिंग के लिए ना ही आपको कोई माइक की ज़रूरत है, ना ही आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी सेटअप की ज़रूरत है। ब्लॉगिंग के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए आपको सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने मेरी ब्लॉगिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे सेकंड चैनल बिमल सिंह पर जाकर ब्लॉगिंग देख सकते हो कि मेरी ब्लॉगिंग किस टाइप की है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं ब्लॉगिंग कैसे बनाता हूं, कैसे मेरा सेटअप क्या है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है सैमसंग गैलेक्सी जेड इन्फिनिटी का मोबाइल और इसी से मैं अपने सारे ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, यहाँ तक कि अपने टेक्निकल यूट्यूब वीडियो भी इसी से बनाता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन करना है। ये देखिए मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ओपन कर दिया है। अब आपको मोबाइल को इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से कैमरे बटन से आप वीडियो को शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो शुरू कर दिया, फिर यहाँ से आप वीडियो को जिस भी प्रकार से आप कैमरा एंगल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैमरे पर देखना है, काफ़ी लोग स्क्रीन पर देखते हैं यहाँ पर, और इवन मैं भी ये गलती करता हूँ, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा इस गलती में। तो आपको यहाँ पर कैमरे में देखना है और शुरू हो जाना आप क्या बताना चाहते हो। तो यार अब यहाँ पर ना ही आपको सेल्फी स्टिक की ज़रूरत है, ना ही ट्राइपॉड जो मिनी ट्राइपॉड आता है उसकी ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और ना ही दोस्तों आपको माइक की ज़रूरत है। काफ़ी लोग बोलते हैं माइक परचेस करना है, ट्राइपॉड परचेस करना है, तो यार ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप बिना इक्विपमेंट के भी यूट्यूब ब्लॉग बना सकते हो। काफ़ी यूट्यूबर ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, अपने मोबाइल से ब्लॉग बनाते हैं और उनके चैनल पर 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का सेटअप टूल की ज़रूरत है, तो बिल्कुल भी आप कुछ मत लीजिए, आप सीधा अपने मोबाइल से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई बार होता क्या है कि ब्लॉगिंग में आपको कई प्रकार के शॉट लेने पड़ते हैं या कई प्रकार की वीडियो को कैप्चर करना पड़ता है, कई प्रकार की लोकेशन को कैप्चर करना पड़ता है। जैसे आप इस वीडियो में देखिए कि अब जैसे यहाँ पर मुझे ये पार्क अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पार्क को ऐसे शूट करूँगा, चारों तरफ से इसे शूट करूँगा। अगर मुझे आसमान अच्छा दिखाई दे रहा है तो मैं आसमान को भी शूट करूँगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार होता क्या है कि जब हम हाथ से शूट करते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो अपना हाथ मूव होने के कारण जो वीडियो है सेकिट होने लग जाता है। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए गिम्बल यूज़ करते हैं, गिम्बल परचेस करते हैं। लेकिन यार गिम्बल बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, जो एक नॉर्मल इंसान परचेस नहीं कर सकता। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिना गिम्बल के कैसे अपनी जो ब्लॉगिंग है उसे, ब्लॉगिंग जो वीडियो है उसे स्टेबलाइज कर सकते हो। तो यार उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना और एक गूगल फोटोज करके एक एप्लीकेशन आता है, आपको उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और जिस भी वीडियो को आप स्टेबलाइज करना चाहते हो आपको उस एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना है, और फिर उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से इस एप्लीकेशन गूगल फोटोज़ की मदद से अपने सारे वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो। जैसा कि एक गिम्बल में
आप कितना भी हाथ मूव करते हो लेकिन आपका जो वीडियो है वो स्टेबलाइज रहता है, वैसे ही गूगल फोटोज में आपका वीडियो एकदम स्टेबलाइज हो जाएगा। काफी यूट्यूबर हैं, टेक्निकल यूट्यूबर जो है वो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ एप्लीकेशन बताते हैं दूसरे कैमरे से, अपने मोबाइल को शूट करके बताते हैं, तो उनका वीडियो इतना ज्यादा स्टेबलाइज क्यों दिखता है? क्योंकि वो गूगल फोटोज करके एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिसके कारण उनका वीडियो जो है वो काफी स्टेबलाइज दिखता है, और उन जो भी वो अपने कैमरे को मूव करते हैं तो उनकी जो वीडियो है वो काफी स्टेबलाइज रहती है। तो इसी कारण से दोस्तों ये होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ब्लॉग पूरा बना लोगे तो आपके ब्लॉग की जो भी हाईलाइट होंगे, जो भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स या वीडियो क्लिप होंगे, उन्हें क्या करना है, आपको 2 या 3 सेकंड की वीडियो को कट करके आपको सबसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में लगाना है। उससे क्या होगा, जो भी व्यूअर आपके वीडियो को देखेगा उसे समझ में आ जाएगा कि आपके वीडियो में क्या क्या उसे देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके इंटरेस्ट की चीज उसे उस छोटी सी क्लिप में मिल जाए तो उस क्लिप के जरिए वो आपका पूरा जो वीडियो है वो देख सके। अब दोस्तों अगर यदि आपका न्यू चैनल है, न्यू चैनल आपने बनाया है, तो ब्लॉगिंग चैनल अगर आप बनाते हो, ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बनाते हो, तो बहुत जल्दी आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो। क्योंकि दोस्तों YouTube पर ब्लॉगिंग ही एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें काफी लोग बोर नहीं होते हैं, वीडियो को ब्लॉगिंग वीडियो को पूरा देखते हैं, और इससे क्या आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है क्योंकि इसमें वॉच टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो यार यदि आप ब्लॉग में अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हो या ब्लॉग चैनल बनाने का सोच रहे हो यूट्यूब पर, तो आप बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका। और यदि आपको लगता है कि आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो या आप कुछ लोगों को नया बता सकते हो, तो यार आप ज़रूर इस फील्ड में ट्राई करने का सोचें, ज़रूर वीडियो बनाने का सोचें। अब दोस्तों काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग को एडिट कैसे करना है, क्या ब्लॉग को एडिट करने का कोई अलग से सॉफ्टवेयर आता है? तो नहीं भाई, आप काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर की हेल्प से ब्लॉग को एडिट कर सकते हो। पावर डायरेक्टर से, मैं तो कहूँगा पावर डायरेक्टर से ब्लॉग एडिट करना ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि काइन मास्टर कॉमेडी वीडियो के लिए सही रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट देने पड़ते हैं। तो आप पावर डायरेक्टर की मदद से कर सकते हो, काइन मास्टर की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपली तरीके से आप पावर डायरेक्टर में कर सकते हो। तो अब रही बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करने की बात, तो यार बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप YouTube चैनल है कि नॉन कॉपीराइट NCS करके, आप वहाँ से जो है नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ले सकते हो। यदि आपको ट्रेवल म्यूजिक लेना है, मोटिवेशनल म्यूजिक लेना है, या जिस भी प्रकार का आपको म्यूजिक लेना है, तो आप सारे के सारे म्यूजिक जो है वो वहाँ से ले सकते हो। बस आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि वैसे तो वो फ्री म्यूजिक है, उनमें आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बेहिचक यूज कर सकते हो बिना परमिशन के, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट जरूर दे देना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको कोई क्लेम ना कर सके, आपके चैनल पर कोई क्लेम ना कर सके और आपका जो चैनल है वो सेफ रह सके। और रही बात टाइटल वगैरह की, तो यार टाइटल आपको बिल्कुल शॉर्ट डालना है, मतलब 2 या 3 वर्ड में 4 वर्ड में आपका जो टाइटल है वो खत्म हो जाना चाहिए। आपको ज्यादा बड़ा टाइटल ब्लॉग में डालने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग में सिर्फ आप शॉर्ट टाइटल ही डाल। और मैंने भी काफी यूट्यूबर को देखा है जो ब्लॉगर है वो अपना हमेशा जो टाइटल है वो शॉर्ट ही डालता है। तो आप, मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, बड़ा टाइटल डालने से कोई मतलब नहीं, शॉर्ट में टाइटल डालें। अब दोस्तों चलिए एक और बात आपको बता देता हूँ, काफी लोग बोलते हैं बाइक पर कैसे ब्लॉग बनाना है, बाइक से कैसे शूट किया जाता है। तो भाई आपने ब्लॉग में कई बार देखा होगा काफी लोग बाइक से शूट करते हैं, बाइक में ट्रेवल करते करते शूट करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते शूट करते हैं, या कार में ट्रेवल करते शूट करते हैं। तो बाइक में नॉर्मली शूट करने के लिए भी आपको ट्राइपॉड वगैरह की जरूरत नहीं है। यदि आप बाइक चलाने में काफी एक्सपर्ट हो तो आप अपने एक हाथ से बाइक पकड़ के भी दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ के शूट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क है। उससे बेटर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने बैक साइड में अपने जो कोई भी दोस्त वगैरह को बिठा लीजिए और उससे आप बोल सकते हो कि भाई वीडियो शूट कर दे, तो वो क्या करेगा, ऐसा कैमरा पकड़ के आगे की सामने की लोकेशन, आप बाइक चला रहे हो सामने की लोकेशन को अच्छे से शूट कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बाइक है या कार में वीडियो शूट की जाती है, ट्रैवल जो शूट रहता है वो किया जाता है। अब दोस्तों काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि ये मैं क्या बकवास बात बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मली सभी को पता होता है। तो यार हो सकता है ये सभी को पता हो, लेकिन ये वीडियो में मैं बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। हो सकता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता हो, या हो सकता है बहुत से लोग ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करने का सोच रहे हो, तो इसलिए मेरा बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको सही गाइड दे सकूं। तो यदि जिनको पता हो तो उनके लिए अच्छी बात है भाई, आपको पता है, और जिन्हें नहीं पता है तो वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा, तो मैं ये भी आपको प्रोसेस बता रहा हूं। चलिए अब मैं आपको बाइक से थोड़ा सा वीडियो शूट करके बताता हूं।
राजनीतिक की ब्लॉग को बनाने के लिए या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आइडियाज कहाँ से लाए कि किस टॉपिक पर हम ब्लॉग वीडियो बनाएं? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप किसी भी यूनिक चीज़ के बारे में बता सकते हो, जैसे कोई पुराना मंदिर है, ये पुराना खंडर हुआ, या किसी पॉपुलर जगह के बारे में बता सकते हो, या लवर्स पॉइंट, या कोई सा पार्क अच्छा है, या तो कोई सा मार्केट अच्छा है, और या तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। अगर सपोज़ यदि आपके सामने कोई लड़ाई कर रहा है, ऐसे तो वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है यार सभी चीज़ों में। अब यदि कोई बाइक पे स्टंट कर रहा है तो आप शूट कर सकते हो, या फिर आप एनिमल्स वगैरह के बारे में शूट कर सकते हो, कुछ भी आप शूट कर सकते हो जो यूनिक लगे, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे और जिससे लोगों को देखने में मज़ा आए। तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो यार, आप जाइए जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए ब्लॉगिंग में, और ब्लॉग चैनल बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार, कुल मिला के सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ब्लॉगिंग में आपको किसी भी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मोबाइल लेना है जिसका कैमरा अच्छा होना चाहिए, और कुछ ज़रूरी नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको ब्लॉगिंग कैसे बनाना है, ब्लॉग वीडियो कैसे बनाना है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से एक छोटी सी भी हेल्प मिली हो ना, तो अरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त, और हमारे YouTube टेक्निकल प्यार फैमिली को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाला जो आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया